ये मेरे सास का रूम है, तो हम चुपके से आप लोगों को दिखाते बैठी हुई है। वो सोच नहीं सकते, इतना मस्त दुपट्टा का लहंगा बना के दिया ना, हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा है। तो चलिए दिखाते आप लोग। इसमें है ऐसा लग रहा है कि रेडीमेड, मतलब मॉल से या दुकानों का कैसा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब सब कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। आई होप अब सब अच्छे हो, अच्छे से रहिए, बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम भी अच्छे हैं। और क्या कर रहे हैं आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज मेरा भी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरा घर का काम सुबह ही सारा कंप्लीट हो गया था, सुबह जल्दी उठ गए थे। आज का मौसम बहुत बढ़िया है, आज का मौसम इतना अच्छा है, हमको सुबह सोचे थोड़ा लेट तक सोएंगे, बट फिर मौसम देख के हम उठ के, बाबू वो तो उठ जाते हैं ना 6 बजे का पहले उठ जाते, उनको स्कूल जाना रहता, तो आज हम उनके साथ ही उठ गए। उठ के सारा काम हम कंप्लीट करके और उसके बाद अभी नाश्ता लेके बैठ गए हैं। ये रहा हमारा नाश्ता, आलू भुजिया रोटी, वो भी ये कल का आज बनाए नहीं है। कल का रोटी जो बच गया था, रोटी आलू भुजिया जो रात में डिनर में बनाया था वो बच गया था, तो बाबू बोले सुबह नाश्ता कुछ ला दे खाई कि, हम बोले नहीं रहने दीजिए, रोटी आलू भुजिया वही हम लोग दोनों माँ बेटी खा लेंगे। आप यू गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। कितना सारा पूरा एक झोला खिलौना लेके बैठ गई, उसका ना पूरा हम झोला में खिलौना डाल के रख देते हैं, कभी भी मतलब वो खेलना रहता है, फिर वो पूरा झोला निकालते हैं उसको दे देते हैं, फिर खेलना हो जाता है, पूरा झोला में डाल के हम रख देते हैं। हाँ तुम लोग ने, आप लोग बोलिए बोलिए, आप लोग बैठिए। हाँ ऐसे बोलना बेटा, बोले बोले ऐसे भी हम लोग अभी ट्रेन में जाएंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा। शॉपिंग वोपिंग भी करना, अभी तक कुछ शॉपिंग नहीं, बहुत मजा आएगा। हम लोग ट्रेन में जाएंगे ना प्यू, बहुत मजा आएगा ना, हम लोग ट्रेन में जाएंगे मैजिक से। तो चलिए रोटी खा लीजिए, और वहाँ पे देखिए ना कितना सारा जूता चप्पल धो के रखा हुआ है, सुबह में बाबू धोए, कल क्या हुआ ना बाल उल कटवा के आए, शाम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो हाँ नहाएंगे बोल रहे थे, तो हम मना के मत नहाइए, ठंडा उंडा लग जाएगा, तो उसको हम नहाने कल दिए नहीं, तो बाहर में सोया था, रूम के अंदर भी उसको सोने नहीं दिए, और बाल उल कटवा के आया, सेविंग वूविंग कराया है, घर घुसने नहीं देंगे, आप हॉल में सोइए, तो हॉल में सोए हुए थे। सुबह सुबह उठ के ठंडा पानी में नहाए, गर्म पानी भी नहीं कि बेचारा, ऐसा मौसम ठंडा, ऊपर तो ठंडा पानी, मेरे को बोलता है आज तू मेरे को ऊपर भेजेगी, ऊपर ही जाएंगे क्यों, मेरे को टाल ले बोलता है ना, बदमाश है ऐसा से बोलते हैं। तो ठंडा पानी से नहा के उसके बाद ने पहले जूता होता धो लिए, मेरे को बोले पीयू को जितना जूता होता है दे दो, हम धो देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इतना गंदा पहनती है ना अच्छा भी नहीं लगता है, तो धो लिए, धो के और नहा वहा के और फ्रेश होके अपना स्कूल निकल गए, और हम लोग दोनों माँ बेटी नाश्ता लेके भी बैठ गए हैं। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, कॉफ़ी दे रही है हो गया हो गया, चलिए चलो नाश्ता करो, ये नाश्ता फटाफट कर लेते हैं, और लंच भी बनाना है, लंच में क्या बनेगा आज देखते हैं क्या क्या बनाएंगे। और मनीषा भी आने वाली है, आ रही है, वो गाड़ी में बैठ गई है, तो वो आए, तो वो भी आ रही है, गाड़ी में बैठ गई है, वो पहुंच जाएगी, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी तो 10 बज रहा है, वो पहुंच जाएगी करीब आपका, हाँ पहुँच जाएंगे 12-1 बजे तक वो पहुंच जाएगी, तो फिर उससे आप लोगों को मिलाएंगे, मेरा ब्लॉग में बहुत दिन बाद आज वो दिखेगी, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे। हमारा नाश्ता वास्ता हो गया, नाश्ता वास्ता करके खाना की तरफ चढ़ा दिया, खाना बन रहा है, हो रहा है, देखिए खाना क्या बन रहा है आप लोगों को हम दिखाते हैं, चावल इधर हो रहा है, चावल ये रहा देखिए, और इधर आपका ये दाल भिगो के रखे, हाँ आ रहे हैं, यहाँ दाल भिगो के रखे है, चना दाल और आपका मसूर दाल दोनों मिक्स कर दिया, दोनों को पीस के, और इसमें लहसुन थोड़ा सा मिर्ची दे के पीस देंगे, और पकौड़ा करके पकौड़ा का सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे देखे ना कढ़ाई ठो, इसी में बना लेंगे, तेल नहीं है, तेल अभी मंगवाना है, और इतना सारा गरम मसाला लेके आई है मेरे भाभी, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये प्लास्टिक में एक प्लास्टिक गरम मसाला और सब्जी मसाला, ये दो जो है बहुत सारा है। भैया जहाँ पे मतलब ऑफिस में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बोलते उसको ऐड के लिए आता है ना, तो बहुत सारा मतलब बच जाता है, तो वहाँ से भैया लेके आए थे, तो हम लोग को दिए, मम्मी को दिए, दीदी को दिए, सारे लोग हम लोग मतलब भाग बटा किए, और इतना इतना भी और भी बच गया है,
बहुत सारा है। अच्छा चलिए पीहू को भी हम ड्रेस दिखाते हैं आप लोगों को। पीहू का ड्रेस, ओ माय गॉड, इतना मस्त ड्रेस, हम तो मतलब ना देखते रह गए उसका ड्रेस बार बार, जितना बार भी देख रहे हैं ना, मन नहीं मान रहा, इतना मस्त उनका उसका ड्रेस है। दुपट्टा का ड्रेस बनाए हैं, दुपट्टा का लहंगा, आप लोग सोच नहीं सकते इतना मस्त दुपट्टा का लहंगा बना के दिए ना, हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा है। और हम जैसा डिज़ाइन दिए थे, जैसा मतलब हम बोले थे, सेम वैसा ही बना के दी है वो, मतलब भाभी बहुत मस्त बनाई है। तो चलिए दिखाते हैं अपने, इसमें है पर अभी नहीं, जब पहनेंगे तब देखिए। क्यों नहीं नहीं, जब पहनेंगे प्लीज दिखाइए ना। नहीं नहीं ना, दिखा तो दिखाओ। नहीं बेटा, जब पहनेंगे तब देखना, तब ना सुंदर लगेगा। दिखा दिखा दिखा, पुराना हो जाएगा। अच्छा कल ये तो शाम में पहनेगी और सुबह में साड़ी पहनेगी, साड़ी पहन के पूजा करेगी, ठीक है। अच्छा ऐसे करके दिखा, कल हम साड़ी पहन के पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ये साड़ी पहन के पूजा करेंगे। ऐसे बस ऐसे। वाह बहुत मस्त है, कल पहनेगी तो बहुत मस्त है रियली में। आप मतलब ना लग नहीं रहा है कि हम लोग ने दुपट्टा का लहंगा बनाया है उसके लिए, ऐसा लग रहा है कि रेडीमेड मतलब मॉल से या दुकानों का वगैरह से खरीद के लेके आए। इतना मस्त लग, इतना मस्त लग रहा है ना। और पीछे का डिज़ाइन जो दिया हुआ है ना फ्लावर वाला, बहुत मस्त लग रहा है। और देखिए अपना माँ को दिखाने के लिए जा रही है, माँ को दिखाने ले जा रही है। तो चलिए यही बहाना से मेरे सास का रूम भी आप लोगों को थोड़ा सा हम दिखाते हैं। चलिए दिखा देंगे ना, थोड़ा सा ही बहाना से मेरे सास का रूम दिखाते हैं। और मेरे सास के पास जा रही है दिखाने के लिए। चलिए चलिए बहाना से दिखाते हैं आप लोगों को। अब वो कपड़ा चाहिए मेरा साथ? नहीं मैडम, हमको कपड़ा नहीं चाहिए। चलिए उधर से दरवाजा है, बट हम लोग घूम के जाते हैं। चलो जा। ये मेरे सास का रूम है, तो हम चुपके से आप लोगों को दिखाते बैठी हुई है। चुन्नी दुपट्टा से बना है, देखिए कितना मस्त दुपट्टा से बना है। ब्लाउज देख रहे इसका कितना मस्त, नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा ना, दुपट्टा का है ना, अस्तर तो मोटा है ना, इसीलिए पता नहीं चलेगा। बहुत मस्त, अस्तर इतना मोटा भी नहीं है, नहीं ठीक है, साइज का जो बनाया है अच्छा बनाया। दिखा दिए, ये रहा। अब वो दुकान जाने के लिए परेशान हो रही है, जाइए उसको दुकान लेके जाइए, हम आ जा रहे हैं। तो हाँ ठीक है जाओ, कितना मस्त बना है। हाँ पहचान है आप? ओके ओके। तो मैं सास का रूम मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि और एक चाची बैठी हुई थी, तो इसलिए हम पूरा नहीं दिखाया है। अब जो इतना बात करने लग गए थे ना, इतना बात करती है ना, बोलती है ना नानी बूढ़ी है, मतलब मेरे सास से भी मतलब बोलते हैं ना डबल है ऐसी, इतना बात कर रही है ना, क्या बोले आप लोगों को। और यहाँ पर लहंगा हो आप लोगों को, तो आप लोग देख लिए थोड़ा बहुत, तो कल पीयू पहनेगी तो कल उसका लुक पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम खाना वाना बना लेते हैं, खाना वाना कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। मेरा खाना भी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा खाना बनाते बनाते में मेरे पति बोले, बाबू बोले कि चलो कुछ काम है जल्दी से, वहाँ पे कुछ मतलब मिल रखा है, तो वहाँ जा रहे हैं, जाने से आप लोगों को पता चल जाएगा, दिख भी जाएगा। चलिए चलते हैं वहाँ पर, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेने के लिए जा रहे हैं काम छोड़ के। हम लोग आ गए हैं और भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, तो उस तरफ भी बहुत भीड़, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। घर के सामने ही था, बोलकर मैं झटाक से ना आ गए, और भगने ही फ़ोन किए थे, भगने ही बताए थे कि जाके वहाँ देख लो एक बार, आईफोन का है, बट ऑरिजिनल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा हेडफोन। तो हम लोग आए देखने के लिए, वैसा ऑरिजिनल हमारे पास है, बाबू देखिए अपने पॉकेट के साइड में टांग के रखे हुए हैं, वो ऑरिजिनल हमारे पास आईफोन का है, तो हम लोग सोचा और एक ले लेते हैं, ज़रूरत वैसे भी है तो और एक देख लेते हैं, तो देखने के लिए आए हैं। तो
देखते हैं मतलब खोल के कैसा साउंड वगैरह कैसा सब चीज़, अगर ठीक रहेगा तो ले लेंगे। और वैसे भी बहुत सस्ता दे रहा है, 600 रुपये बोल रहा है, तो हम लोग 400 या 500 तक में बोले हैं, तो वो बोल भी रहे हैं हाँ ठीक है 500 तक में दे देंगे, अगर साउंड अच्छा रहा इसका तो हम लोग ले लेंगे। और इसके साथ ना ये भी है, वॉच भी है आपका फ़ोन जैसा बहुत अच्छा, वो भी 500 में दे देगा बोल रहा है, दोनों 1000 रुपये ना 500 में देगा बोल रहा है, तो अच्छा लगा तो ले लेंगे। तो चलिए आप लोग भी देखिए, और आप लोगों को भी अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। दे दो ना वॉच भी, हाँ वॉच भी दे दो, वॉच तो मेरी नहीं है।